सबसे पहले गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय सेल्फ ब्राह्मण सर, समस्तीपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, हमने दो चैप्टर लगभग कवर किए हैं। ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा आज का जो टॉपिक है वो है लेमिज कर्व। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। ठीक है, जहाँ दिक्कतें होंगी वहाँ पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछेंगे, बिना मतलब का अनम्यूट नहीं कीजिएगा। ठीक है, और हमें अभी से आराम से पहले पढ़ाने दीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ एक साथ में लेकर चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी लेमिज थ्योरम के बारे में। लेमिज थ्योरम जो बात बताता है वो पहले दो चीज ध्यान रखने के लिए कहता है। ठीक है, पहला चीज नंबर ऑफ फोर्स 3 होनी चाहिए। ठीक, दूसरा तीनों के तीनों फोर्स जो है वो आपको को प्लेनर होना चाहिए, और जो और उसके बाद क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर चीज वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को लेकर हम लोग पहले समझते हैं ये तीनों चीज क्या होता है। तीनों चीज का मतलब, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोप्लेनर क्या होता है। हम ये बात जानते हैं कि आपको पहले तो पता है कोप्लेनर क्या है। ठीक, आप पहले जानते हो कि एक सतह पे जो फोर्स लाई करते हैं उसको कोप्लेनर कहते हैं। ठीक, अच्छी बात, लेकिन रियल की लाइफ में अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको ये चीज सही से अभी पता नहीं है। ठीक, इसलिए हम आपको वो चीज आपको बताएंगे पहले। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कोप्लेनर का रियल मीनिंग, कोप्लेनर क्या होता है। ठीक, देखो स्टूडेंट, कोप्लेनर समझने के लिए अभी एक चीज आप देखो गौर से, हमने इस बोर्ड पर यहाँ पर एक फिगर बनाया है। ठीक है, इधर F1, इधर F2 और इधर F3, तीन फोर्स काम कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। आप देखो तो तीनों को तीनों फोर्स जो हमने वहां पे खींचे हैं, ठीक है, या फिर जो तीनों फोर्स F1, F2, F3 जो भी हमने वहां दर्शाया है, ठीक है, वो तीनों का तीनों फोर्स जो है वो एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन का मतलब क्या है तो बताते, देखिए आपको पता है इसका नाम हमने क्या रखा, आपको पहले से पता है कि सर इसका नाम आपने F1 रखा। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आपको पता है कि इसका नाम क्या रखा हमने, इसका नाम F2 रखा। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा, F3 रखा। ठीक, ठीक, अच्छी बात। आप एक चीज देखो, क्या तीनों फोर्स में से कोई भी फोर्स ऐसा है जो सतह को छोड़ दिया है? सतह छोड़ने का मतलब, ध्यान से देखो भाई, F1 फोर्स इधर है ऐसे, बोर्ड पर ये सटा हुआ है, बोर्ड पर ये बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक, F2 फोर्स भी जो उधर लग रहे हैं वो भी बिल्कुल बोर्ड पे सटे हुए हैं, और F3 जो नीचे लग रहे हैं वो भी बिल्कुल सटे हुए हैं। क्या कोई फोर्स ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये फोर्स ऐसे सटा ना हो, कि F3 ऐसे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी फोर्स अपने जगह से उठा हुआ नहीं है, सभी के सभी फोर्स एक ही प्लेन में सटे हुए हैं, एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर क्या क्या सटा हुआ है। ये अलग है कि अभी कौन सा प्लेन है आपके पास, आंसर अभी मेरे पास ये प्लेन है, ये वाला प्लेन। अच्छा, अगर अगर आपको वो प्लेन ना होकर, सपोज अगर वो प्लेन ना होकर अगर ये प्लेन होता, तो जैसे कि अगर ये प्लेन होता तो ये भी तो एक प्लेन है, इस पर तीन फोर्स कैसे काम करेंगे? तो देखिए, एक फोर्स इधर हो गया, या एक फोर्स मान लो आप इधर हो गया, ठीक है, आपके तरफ एक फोर्स, और दो फोर्स और बचा, दोनों फोर्स, एक फोर्स मान लो आप इधर हो गया, ठीक है, और एक फोर्स इधर हो गया। अब आप इस तीनों फोर्स को देखो, कोई भी फोर्स इस सतह को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। तीनों के तीनों फोर्स अगर ऐसे रखेंगे तो फिर भी तीनों के तीनों कोप्लेनर है, क्योंकि ये इस प्लेन में कोप्लेनर है, क्योंकि इस प्लेन में वो तीनों के तीनों सटे हुए, इस प्लेन में रखेंगे तो फिर भी कोप्लेनर है, बात समझ में आ, ऐसे रखेंगे तो फिर भी कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब ये जो सतह है ना, उस सतह से तीनों के तीनों फोर्स सटे हुए रहना चाहिए, मतलब वो फोर्स, कोई भी फोर्स अगर किसी सतह पर है तो इसका मतलब है कि वो एक ही सतह पर है। अब देख लो, बस एक ही पेज के सतह पे था, किसी दूसरे पर सतह पे नहीं था, इसका मतलब ये कोप्लेनर हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कोप्लेनर क्या होता है। ठीक है, अब कोप्लेनर अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब कंक्रीट फोर्स समझते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ अगर कोई फोर्स एक्ट करे, कोई भी फोर्स, मोर देन थ्री हो सकते हैं, हम अभी समझते हैं कंक्रीट फोर्स के बारे में, मतलब किसी भी पॉइंट से बाहर की तरफ जाए, किसी भी पॉइंट से कहां की तरफ जाए, बाहर की तरफ जाए, ठीक है, कंक्रीट फोर्स का, बात समझ में आ गया। तो दो चीज समझ में आ गया कि आपको एक चीज समझ में आ गया, पहले नंबर कि कोप्लेनर क्या होता है, दूसरा चीज समझ में आ गया कि कंक्रीट क्या होता है। ठीक है,
और तीसरा चीज था क्या कि कोप्लेनर होना चाहिए, कंक्रेंट होना चाहिए, ठीक है, और एक ही प्लेन पर एक्ट होने चाहिए, चीज आपको हम बताइए, ठीक है। अब है, अब क्या है, अब आपको बताते हैं, उसको भी कहेंगे, ठीक है, उसको भी कहेंगे। चलिए अब ये लेमिस थ्योरम क्या कहता है इसमें, अगर किसी प्लेन पर, अगर किसी सतह पर कोई बिंदु है, अगर किसी सतह पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीन फोर्स, कितना फोर्स, तीन फोर्स उसी सतह पर, उसी सतह पर तो कोप्लेनर हो गया, ठीक है। अगर कोई सतह है और सतह पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर कोई अगर प्लेन एक्ट कर रहा है, उस प्लेन पर जो बिंदु रखा हुआ है उस बिंदु पर अगर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं, फोर्स मतलब समझते हो, खींचना या धकेलना, ठीक है। तो तीन फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो फोर्स इस तरह से काम करे कि दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरा हो, मतलब ये कि अगर इस पॉइंट ओ पर, अगर ये पॉइंट ओ है, सपोज अगर इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट ओ पर कुल मिलाकर यहां तीन फोर्स लग रहे हैं, एफ वन, एफ टू और एफ थ्री। अगर हम इस दोनों का रिजल्टेंट बात करें, इस दोनों का रिजल्टेंट तो इधर होगा, ठीक, अगर इस दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ तो ठीक उतना ही मैग्नीट्यूड का इनके अपोजिट में ये होनी चाहिए, बात समझ। अगर इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये है, इनके ठीक मैग्नीट्यूड के बराबर है, पर इनके अपोजिट डायरेक्शन में इधर इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट, बात समझ आ गई। ऐसे कंडीशन पर क्या होता है, ऐसे कंडीशन पर जो पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट पर ये तीन फोर्स काम करता है ना, वो फोर्स इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब साम्य अवस्था में, मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला उसको नहीं है, बात समझ में आया आपको, समझ में आया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, कोई मेरे साथ को इधर खींच रहा है, ठीक है, कोई मेरे साथ को इधर खींच रहा है, ठीक है, और कोई आगे से भी हमें धकेल रहा है, लेकिन उस कंडीशन पे भी हम बिल्कुल इसी जगह ऐसे रेस्ट, मतलब आप किस तरह से फोर्स लगा रहा है कि ये दो बंदे इतने फोर्स लगाते कि इनके बराबर है, तो हम आराम से रिलैक्स है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा और ये बंदे इधर की तरफ हमको उतना ही फोर्स लगा रहा है, ठीक, तो हम क्या रहेंगे, हम रहेंगे आराम से, क्या हम रहेंगे इक्विलिब्रियम में, बात समझ में आ गई। ये होता है साम्य अवस्था, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपकी बात समझ में आ गया होगा कि कोप्लेनर क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, साम्य अवस्था क्या होता है, ठीक है, और आपको लेमिस थ्योरम किस चीज के लिए कहता है, ये सब चीज आपको हमने समझा दिया। अब लेमिस थ्योरम के स्टेटमेंट पर चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उसको देखते हैं, फिर उनके फॉर्मूलों को पहले प्रूफ करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए तो कॉपी निकालिए, लेमिस थ्योरम लिखिए, बगल में फोटो बनाइए, मेरे साथ ही कीजिए। हमने एक दिन बहुत दिन पहले भी कहा था एक बार कि देखिए, जैसे अभी बच्चे कुछ ने बोला कि सर आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अभी क्योंकि आपका जो टाइमिंग रहता है कभी 2 बजे रहता है, कभी 3 बजे रहता है, अकॉर्डिंग टू अगर हम रूटीन देखें, कभी हम 8 बजे शाम को भी लेते हैं, क्लास नहीं ले पाते हैं तब, ठीक है। तो वो चीज क्यों हो रहा है जानते हैं, जैसे अभी बच्चे क्यों नहीं एक्टिव हुए जानते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरा सब रिकॉर्डिंग वीडियो पीछे रखा हुआ है, वो इस बात के लिए रिलैक्स है कि अरे अगर छूट भी जाएगा ना तो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो पहले बोले थे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे, बच्चे कुछ बोले नहीं रिकॉर्डिंग मत डिलीट कीजिए, हम लोग देखते हैं अभी भाई, यही वो मेन वजह है, ठीक है, वरना हम 2 बजे कहें तो 2 बजे बच्चे एक्टिव रहेंगे, आपको पढ़नी है तो टाइम पर। चलिए तो इनका स्टेटमेंट क्या होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला ये क्या कहना चाहते हैं, इफ इफ थ्री, दिख रहा होगा क्लियरली, चलिए इफ थ्री को प्लेनर एंड इफ थ्री कोप्लेनर एंड कंक्रेंट फोर्स एक्टिंग एक्टिंग एट ए पॉइंट
be in equilibrium then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces. यह है इनका स्टेटमेंट। आई होप कि आप मेरे साथ लिख भी रहे होंगे, ठीक है? पहले लिख लीजिए तो हम इसको पूरा कवर करते हैं आपको, ठीक है? 30 सेकंड का समय देंगे मात्र आपको लिखने के लिए, ज्यादा नहीं। चलिए चलिए, ठीक है। इस तरह की क्लास के लिए आप लोग बहुत दिन से परेशान थे, नहीं? इतना क्लास नहीं ले रहे इस तरह के। तो देखो भाई, चाहता क्या है, थोड़ा इसका मैथमेटिकल टर्म के रूप में लिख लेते हैं। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है ये बात इसका क्या मतलब है वो भी समझा देते हैं आपको। रुक जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए देखो, ये कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि इफ थ्री कोप्लेनर एंड कंक्रीट फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्स। ये बात कहना चाहते हैं कि जब कोई कोप्लेनर यानी किसी एक प्लेन पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर थ्री फोर्स आपको एक्ट कर रहे हैं, थ्री फोर्स लग रहे हैं यानी कि तीन बल किसी बिंदु पर लग रहे हैं और वो बिंदु किसी सतह पर है और वो लगने वाला फोर्स भी उसी सतह पर है, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होगा कि किन्हीं दो फोर्सों का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड हो जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब सम अवस्था। तो अगर ऐसा सम अवस्था अगर कंडीशन में आ जाता है तब कोई एक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो और उनके अपोजिट में जो दो फोर्स होंगे और उनके बीच का जो एंगल होगा वो साइन वाला एंगल तीनों फोर्स के लिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये F1 है, इनके अपोजिट में ये दोनों फोर्स है, इनके बीच के एंगल कितने है, अल्फा। F1 बटा साइन अल्फा इक्वल टू ये F2 है, इनके सामने में इन दोनों फोर्स के बीच में कोण क्या है, बीटा। F2 बटे साइन बीटा और ये F3 है, इनके सामने वाले कौन कौन है, कौन कौन फोर्स है, ये हो गया आपको F1 और ये क्या है F2, इनके बीच की कौन क्या है गामा, इनके बीच की कौन जो है वो गामा, ठीक है? तो F3 बटे गामा, इसका मतलब F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे क्या साइन गामा, इन सब का वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
तो स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा लेविस थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट लिखो, इनको प्रूफ करो, इन पे न्यूमेरिकल बनाओ, बहुत सारे बातें हैं। तो आपको इतना चीज हमने अभी बताया, ये चीज आप लगभग लिख ही लिए होंगे, हम लोग चलेंगे इनके प्रूफ की तरफ, ठीक है। अगर आप इतना दूर तक लिख लिए तो आप हमें कह सकते हो, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम इसे प्रूफ करने के लिए चलते हैं, इससे पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते वक्त भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, देखिए आपको हम बताते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं ये बात कि तीन फोर्स हमारे पास F1 F2 और क्या F3 है। आगे बढ़ते हैं इसको। लेट F1 कोमा F2 एंड F3 B3 फोर्स B3 को प्लेनर एंड कॉन्क्रीट फोर्स विच एक्स एट पॉइंट ओ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लेविस थ्योरम क्या कहता है स्टेटमेंट? लेविस थ्योरम कहता है ना कि तीनों फोर्स F1 F2 और F3 जो होगा, ठीक है, वो जब एक्ट करेगा किसी कोप्लेनर पर किसी एक पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो हमने क्या किया, हमने पहले ही मान लिया, क्या मान लिया वो देखिए, हमने मान लिया कि लेट F1 F2 एंड F3, माना कि F1 F2 और F3 तीन फोर्स कोप्लेनर एंड कंक्रीट फोर्स हैं। तीन कोप्लेनर मतलब एक सतह पर रहने वाले, कंक्रीट मतलब एक पॉइंट से बाहर जाने वाले फोर्स हैं, ठीक है। विच एक्ट, जो लग रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट ओ, कहां पे लग रहे हैं, पॉइंट ओ पे लग रहे हैं, किधर है ना, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लेविस थ्योरम, लेविस थ्योरम के अनुसार, लेविस थ्योरम के कथनों के अनुसार, क्या कथन में क्या अनुसार मतलब क्या, ये बात है कि तीनों फोर्स जो होता है जब वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लग जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो रिजल्टेंट होता है या इक्विलिब्रियम में लगता है, दैट मींस किसी दो फोर्स का रिजल्टेंट थर्ड होता है, ठीक। अगर ऐसी बातें हैं तो हम आपको कह सकते हैं ना कि F1 ठीक है प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या, जीरो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। हमने आपको उधर पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर हम खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं मान लीजिए, और कोई हमें एक इधर से फोर्स लगा रहा है की तरफ,
एल्कोहल हमें इधर की तरफ खींच रहा है, तो इन दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट ये थर्ड वाले पार्टी हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर काम करेगा कितना है, अपोजिट में ये वाले फोर्स काम करेंगे, इसलिए हम इसी जगह रहेंगे। इसका मतलब एफ वन एफ टू और एफ थ्री इनों का रिजल्टेंट जीरो, इनों का रिजल्टेंट जीरो, क्योंकि हम अपने जगह से तो बदले ही नहीं है। बात समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये बात समझ लेते हैं कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू क्या, ये होगा। अब क्या करते हैं, इनकी टर्मों को समझने के लिए, इनकी कथनों को प्रूफ करने के लिए हम कुछ वेक्टर के एडिशन का कुछ एक रूल अपनाते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर का रूल लेते हैं, ठीक है। इनके फिगर में ही चलते हैं, तो चलिए फिगर देखिए आप लोग, देखो मैं फिगर दो, इनकी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए इनकी बातों को जानने के लिए आप इस फोर्स को भूल जाओ, ठीक है। कोई दूसरे फोर्स की बात करते हैं हम, इसकी और इसकी बात करते हैं। जैसे ये फोर्स है, अगर ये फोर्स और ये फोर्स है, दो फोर्स है, ठीक है, इस तरह है, देखिए एक फोर्स इधर जा रहे हैं एफ वन और एक फोर्स इधर जा रहे हैं एफ टू। हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, हमको इन दोनों क्या निकालना है, रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो पैरेललोग्राम जो रूल होते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम, उनको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके ठीक इक्वल यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोर्स इस तरह की पैरेलल खींचते हैं और एक इनके ठीक बराबर यहाँ पर इस डायरेक्शन में इनको खींचते हैं और ये बीचों बीच मिला देते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ये इधर नहीं आएगा बल्कि इधर जाएगा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट। अगर ये F1 है और ये क्या है F2 है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे R बराबर लिखना पड़ेगा F1 प्लस क्या F2, R बराबर क्या लिखना पड़ेगा F1 प्लस F2, समझ में आ गया, वही उसका रिजल्टेंट होता है। तो ठीक जिस तरह अभी फोटो में किए हैं, अभी मेरे पास F1 इधर है F2 इधर है, तो ठीक F1 के बराबर, F1 के बराबर और समांतर, ठीक है, एक फोर्स समझ लेते हैं हम, और इनके ठीक समांतर यहां ले लेते हैं, मतलब अगर ये मेरा F1 है, इनके सामने वाले भी क्या होंगे F1 होंगे, और अगर ये F2 है, इनके सामने वाला ये भी F2 होंगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट खींचने के लिए इनको आपस में अच्छा ठीक, इसका फिगर ठीक कर देते, इधर F1 इधर जा रहा है, ये भी F1 इधर जाएगा, F2 इधर जा रहे थे, इनकी भी F2 वाले इधर ही जाएंगे। इनको रिजल्टेंट बनाने के लिए ये हो गया इनका रिजल्टेंट, गामा इसी पर आ गया, तो गामा को थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और यहां जो पॉइंट मिल रहे हैं इनका नाम देते हैं सी। इसका ओ ए बी और सी,
ठीक है, कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे अगर ऐसी बातें हैं तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे फ्रॉम फिगर से बात करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रॉम फिगर। ये जब स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो वो जो लेनिन थ्योरम का फिगर था, वो जब उनका स्टेटमेंट लिखते वक्त भी एक था ऊपर, और जब इनको प्रूफ करेंगे तो फिर से लिखेंगे, और उसमें ये सब चीज जितने भी ऐड होंगे वो चीज करेंगे। ध्यान रखना एक चीज, ये वाला लाइन इन दोनों के जो रिजल्टेंट होंगे ना, ये उनके लाइन पर ही होगा। ठीक है, इस तरह फोटो बनाइएगा। अगर इन दोनों फोर्स को रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर की तरफ आएगा, तो ये वाला लाइन इनके इनके लाइन के सीधे होनी चाहिए, तब काम होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं फ्रॉम फिगर। फिगर में क्या देखते हैं, फिगर में देखते हैं बीसी बराबर बीस लेकर सी को एफ ऑन लेंगे, ए से लेकर सी को क्या बोले, ए से लेकर सी को एफ टू लेंगे, एंड यहां पर एक हेलो हेलो अच्छा नहीं, वो एक फोन आ गया था ना, उसी को रिसीव कर ली। चलिए, तो अब जो कौन की बात कर रहे हैं हम लोग, ए ओ सी खोजते हैं कहां है। ए ये पॉइंट ओ है ना, ओ और सी। स्टूडेंट ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, आपको याद है कि आप लोग इतना रात में भी लाइव पर रहे, कुछ दिन पहले भी कल भी हमने आपको बताने की कोशिश किए थे तो वो टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, तो दोनों दिन प्रॉब्लम हुआ था। आज मौका मिला है अच्छे से जानने का, तो देखो ठीक है, ए ओ सी के बारे में देखते हैं। ए ओ सी यानी अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं इस कोण की, आपको दिख रहा होगा किस कोण की जिक्र किए। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, आप कहोगे सर ये कोण 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम बात करें कि यहां से यहां तक कितना डिग्री है, आप कहोगे बीटा डिग्री है। अगर 180 में से ये बीटा घट जाए तो हमें ये एंगल निकल जाएगा, 180 में बीटा को घटा देंगे, यही मेरा कोण क्या है, ए ओ सी है। आई बात समझ में, बात समझ में आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और फोन आ गया है, क्या है प्रूफ करता है हमको,
की आवाज अभी बोल नहीं रहे थे। ये कौन सीख गए? ये उसी कैसे निकला? एक सौ अस्सी माइनस बीटा। ये उसी कितना निकला? कौन ये उसी बराबर 180 माइनस बीटा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कोण ए सी ओ। कोण निकालते हैं क्या? ए सी ओ। देखो अच्छे से इसको जो है ना कोण हम जो निकालेंगे वो इस बार यहां लिख रहे हैं। अभी देखिए मैं ए सी ओ खोजो कहा ए सी ओ ये कौन सी बातें कर रहे हैं? अरे समझ ये जो कौन है, ये जो कौन है इधर वाले कौन के बराबर भी तो होंगे। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये इन दोनों का रिजल्टेंट रिजल्टेंट होता है बीच में, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे लेकिन हमको बी वाला टर्म से नहीं मतलब, हमको मतलब है ए सी ओ इससे, मतलब है इससे इस कोण का वैल्यू निकालना है। अगर उस कोण के ठीक से बनाया जाए फिगर तो आप देखोगे कुछ इस तरह है। ठीक है इस तरह हो गया। अब देखिए ये कोण कितना होगा। अच्छा अगर ये कोण, अगर मान लो हमें ये कोण निकालनी है, पर अगर हमें ये बात पता चल जाए, ध्यान देखिए क्या कि अगर हम यहां से यहां चलते तो कितना कोण होता है? 180। बात समझ रहे? यहां से यहां चलते कितना चलते? 180। ठीक है। अच्छा ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण कितना है? आंसर है, ठीक है, जब आप इससे बढ़ाओगे आगे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे एकांतर कोण आपस में क्या होते? बराबर होते। मेरी बातें सुन आ रहा है कि नहीं? आवाज जा रही कि नहीं? जब दो किसी सम पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसका बना इस तरह, तो हम वो कहते हैं ना कि ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं। नहीं तो एसी वाले फोटो को ठीक ऐसे कर देंगे, एक पैरल एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो पैरल लाइन को ये भूल जाइए आप, ये भी भूल जाइए आप, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, सब भूल जाइए आप, सब भूल जाइए आप। दो पैरल लाइन है, इस दो पैरल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटा, ठीक है, दो पैरल लाइन है, दो पैरल लाइन को एक कोई रेखा काटा, ठीक। अगर कोई रेखा काटा तो ये कोण अगर हमारे पास अल्फा है, ठीक, ये कोण अगर हमारे पास अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, और अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। अगर ये कोण अल्फा है तो यहां से यहां तक 180 होता है, और ये अल्फा है 180 में से यहां से यहां तक 180 होता है, और यहां से, ठीक, और ये कोण कितनी है? अल्फा है। आई बात समझ में? ये कोण कितनी? अल्फा है, ठीक, ये कोण कितनी? अल्फा है, और यहां से यहां तक कितना होता है? 180 होता है। ये कोण कितनी? अल्फा है। ये कोण इसके बराबर होंगे? और ये कोण किसके बराबर?
ठीक है ना। तो अगर हमारा ये अल्फा है और ये 180 है, इसका मतलब देखो दूसरे रूप से भी हम समझ सकते हैं, चलो दूसरे रूप से हम समझ लेते हैं। सही बात है, तो देखो अगर ये कोण अल्फा है तो इधर वाले कोण अल्फा होंगे, अगर ये कोण अल्फा है इसका मतलब ये वाले कोण अल्फा हो, ठीक है। ये किधर बात कर, अब समझ में आई 180 माइनस अल्फा, समझ में आई कि नहीं आई? ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण अल्फा होगा तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा 180। और इसे यहां से भी देखोगे तो दिख जाएगा ये कोण अल्फा होगा इधर वाले कोण अल्फा होगा, तो ए ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा। बस अब हमारे पास बच कौन गया, ये कोण और ये कोण भी निकाल चुके हैं, हमारे पास बच गया ये कोण। इस कोण का क्या नाम है, इस कोण का नाम हम देते हैं कोण ओ ए सी, ओ ए सी। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। में से अगर हम इस दोनों कोण को घटा दें, इस दोनों कोण को घटा दें, मतलब नाम क्या दिया दोनों कोणों का, एक का नाम दिया ए ओ सी, ए ओ सी। दूसरा क्या नाम दिया, प्लस एंगल ए सी ओ, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अगर ऐसी बातें हैं, ओ ए सी बराबर 180 माइनस ए ओ सी, ए ओ सी कितना है 180 माइनस बी का, ये इसका सिर्फ वैल्यू है, ठीक। और उसके बाद इसका जो वैल्यू है किसका, ए सी ओ का, ए सी ओ का कितना 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं, ओ ए बराबर 180 ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं यहाँ पर, 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 180 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये 180 प्लस में और ये 180 माइनस में क्या करेगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओ ए सी बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180, ठीक। लेकिन लेकिन अभी भी हमेरा निकला नहीं वैल्यू, तो हमेरा वैल्यू निकल जाएगा कन्फर्म में, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, चलो तो इधर लिख लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, मेरे पास बोर्ड पर जगह है उतना कि हम लोग कोण निकाल सकते, क्योंकि जब एंगल निकल जाएगी तो कहानी ही खत्म हो जाती है, ठीक। ए सी ना, अब ठीक है, तो फिर से देखिए अच्छे से, देखो भाई यहां से आप कौन अल्फा, ये कोण बीटा, और ये पूरा का पूरा कोण याद आता है क्या, गामा, अल्फा बीटा गामा, एक तरह तो अगर ना अगर हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप तो कहोगे सर 360 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है ना, बोलते भी रहिए, आपके बोलने से हमारे वीडियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, मतलब पढ़ाई से संबंधित। अब देखो भाई, अब हम क्या किए,
360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट के चारों चारों तरफ का एक एंगल है ना, कुछ दूर अल्फा है, कुछ दूर बीटा है, कुछ दूर गामा है, तो सर्किल हो जाएगा ना पूरा, एक पूरी रोटेशन हो जाएगा ना। ठीक, बात समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक काम हम करते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो है ही, अगर हम इधर भी 180 से माइनस कर दें दोनों तरफ, अगर अगर हम क्या करें दोनों तरफ हम चाहते हैं 180 से माइनस कर, क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक अननोन एंगल है उसे फाइंड करना है। ठीक, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो जब ऐसे करोगे तो यहां पर तुम थोड़ा ठीक दे दो, इसको गौर से देखिए आप, इसको हम लोग लिखना चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा पहले लिखना चाहते हैं और देन 180 माइनस वाले को पहले ले आते हैं, सबको बच जाएगा इधर गामा और ये 360 में से 180 माइनस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 180 जो लिख दी। चलिए ठीक, अच्छी बात। अब देखो आप गौर से यहां से यहां तक क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 हम लोग इसलिए एंगल OAC = और ये जो प्लस में गामा उसको उधर लेके चले जाते हैं, मेरे पास जगह की भी कमी थी तो हम लेके भी चले गए उधर, इससे क्या हो गया 180 माइनस गामा निकल गया, एक एंगल यहाँ निकल गया। ठीक है, एक एंगल यहाँ निकल गया, एक एंगल मेरे पास यहाँ निकल गया और एक एंगल मेरे पास यहाँ निकल गया। तीन एंगल चाहिए था, तीनों एंगल हमें निकल गया। अब हम क्या करते हैं तीनों को फिगर में जाके लिखेंगे, तो पहले आप लोग यहां तक लिख लो फिर। एक मिनट का टाइम है, ज्यादा देर का टाइम नहीं है। चलिए ठीक है, कोई और नहीं लिखोगे तो उनको लिखने का मौका दीजिए। बस एक मिनट, चलिए इसे मिटाते हैं। कौन भी मिटा दे, नहीं
कौन बुला में? ये बुला नहीं, ये ठीक है ना? देख लीजिए, हम ड्राइवर को मिटा दिए थे इसलिए। ये अल्फा, ये गामा हो गया, वो अल्फा हो गया, हो गया ना? एक बार मिला लेना, कहीं छूट ना जाए। ए पी ओ, पी ओ 180 अल्फा, आ ए, ए वाले में गामा, की पिता ही होगा कन्फर्म। अभी आया नहीं आया है? चलिए, तो फोटो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, अब ट्रायंगल हम देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी में, ए ओ सी, नाउ इन ट्रायंगल कितने ए ओ सी में, ट्रायंगल में एक रूल होता है कि कोई एक साइड और उनके अपोजिट वाले साइड का जो एंगल होगा वो, मतलब ये बात कि जैसे ये ओ है और ये क्या है, ए है, तो ये जो ओ ए है तो, और इनके अपोजिट वाले एंगल कौन है, यहां तो ये वाला एंगल साइन में, साइन में नॉट कॉस में, साइन में, तो साइन 180 माइनस अल्फा बराबर, ठीक है? किसका ले लिया हमने, ए ओ के ले लिए। अब हम दूसरा ले लेते हैं, ओ सी ए सी ले लेते हैं, तो ए सी अपन ए सी के सामने वाले को माइनस लिखा साइन 180, वो हम म्यूट कर लो, और ए हो गया, और ए हो गया, ए सी हो गया, बचे क्या सी ओ या फिर ओ सी, जो को इसे इसको हम लोग कर देते हैं ओ सी, और ओ से लेकर काम के सामने को साइड, इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड तो साइड 180 माइनस गामा, ये जो होता है ट्रायंगल में, ये तीनों चीज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? उसी रूल का हेल्प ली हमने। और अब एक चीज और बताते हैं आपको, ये जानना जरूरी है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन, अगर ऐसी बातें हैं। अच्छा, और ए क्या है, तो ये है F1, इसको लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बराबर, ये था F2 बेस में बन, ये है साइन थीटा, और ये था F3, ये है साइन गामा, इसी चीज को
प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप इसे भी लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसके इंपोर्टेंस टर्म पर, नोट्स पर, ठीक है। आप लोग लिखिए, लेमिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल ओनली अप्लाइड फॉर थ्री कोप्लेनर which is in equilibrium लगता है कटा था क्या एक बार? दिख रहा है? नोट ले लीजिए, जो कह रहे थे वो लिख लीजिए। तो स्टूडेंट ये था लेमिस थ्योरम एंड लेमिस थ्योरम का वेरिफिकेशन। तो अभी हम लोग सीखे लेमिस थ्योरम क्या है, स्टूडेंट क्या होता है, उनको प्रूफ कैसे करते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है। कंडीशन अगर पूछेगा तो बोलेंगे कि थ्री फोर्स होना चाहिए, कंक्रेंट फोर्स होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है, और किसी पॉइंट के आउटवर्ड में लगना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इस पर नोमिकल बनाएंगे। तो पहले से आप लिख लेंगे तो आप बता दोगे, हम बनाएंगे नोमिकल। अब हम पूरा फिगर पूरा सब कुछ मिटाने वाले हैं। चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका फिगर भी देख लेते कैसा है। फिगर बना लीजिए, ठीक है बना लिया आप लोग। इसे बनाया जाए वो सवाल को, तो देखिए जब भी लेमी सोरम का क्वेश्चन हो तो पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब कुछ चीज फिगर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सीखिए, दूसरा क्वेश्चन सीखिए, तीसरा क्वेश्चन सीखिए, मतलब आप आपको एक से दो से तीन क्वेश्चन के अंदर आपके माइंड में सेट करनी है इसी बातें। सबसे पहले कभी भी आपको तीनों एंगल नहीं देगा, जो अल्फा इतना डिग्री है, बीटा इतना डिग्री है, गामा इतना डिग्री, कभी नहीं देगा। कोई एक फोर्स ही देगा, और कोई एक एंगल देगा, कहीं भी दे सकता है वो एंगल। अब उस पूरे फ्रेम के जो फिगर होंगे, उस पूरे फ्रेम जो फिगर होंगे ना, उस फिगर से आपको फाइंड करके मतलब आपको निकालना है कि किसका कितना वैल्यू एंगल होगा। तो
एंगल मस्ट है, पहले एंगल जरूरत है, लेकिन कोई ना कोई एक एंगल जरूर देगा वो, चाहे वो जहां पर भी, ठीक है। तो अगर यहाँ एंगल दिया हुआ है एक जगह 30 डिग्री, हम उसका यूज करते हुए हम आपको बताते हैं हमारा अल्फा बीटा और गामा किसको किसको क्या क्या वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए भाई, अगर आप गौर से देखोगे ना, इस वाले फोर्स का नाम हम लोग दे देते हैं मान लो अपने हिसाब से एफ होगा, इस वाले फोर्स को देते हैं एफ टू और इस वाले फोर्स का नाम देते हैं एफ थ्री, ठीक है। अच्छा एफ थ्री यहां लिखते नीचे लिख देते हैं एफ वन के सामने वाले फोर्स, यही है ना, क्योंकि यही तो वो फोर्स है, ये तो एंगल बताने के लिए था, अल्फा F2 इधर लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स इधर है, इसका मतलब ये दोनों बीच की एंगल के बीच में कोण है वो गया बीटा, और F3 यहाँ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा कोण हो गया गामा। फोटो ठीक कर लीजिए पहले अपने कॉपी पर, सॉरी जो आपके फिगर है उन्हें एंगल ठीक कर लो पहले, कि कहां अल्फा कहां बीटा कहां गामा है और कहां F1 कहां F2 और कहां F3 है, ओके। हो गई, चलिए तो आपको गिवन इसका जो सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे, और अगर गिवन की बात करें देखो बढ़िया समझना, अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री। अच्छा अगर एक को 90 हो जाए ना, तो इसका मतलब क्या जानते हो, कि तीन फोर्स होगा एफ वन एफ टू एफ थ्री, दो को फोर्स बराबर होगा, ऐसा होगा हम लोग, अल्फा आपको समझ में आ गया, चलो अच्छा समझना, यहां से यहां तक पूरा 180 पर ये 30, इसका मतलब बीटा कितना, 180 माइनस 30, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब 150 डिग्री, किसकी बात की भाई, अगर एक लाइन ऐसा है और ये इधर ऐसा है और ये 30 डिग्री है, तो यहां से यहां तक पूरा 180 होता, उसमें से 30 काट लेंगे तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, 180 में 30 घटेगा तो 150, आई बात समझ में। एंड गामा बच गया, गामा देखो यहां से यहां तक होगा 90 और ये 30, 90 और 30 कितना, 120 डिग्री ना, ये 90 तो 90 और 130 कितना हो गया, तो गामा हम ले देते हैं 90 प्लस में 30, ये हो गया 120 डिग्री। आप पूरा सकते हो अल्फा बीटा और गामा को जोड़ोगे तो आपको 360 पूरेगा, 90 150 और 120, 9 दो 11 5 16 सौ बाकी 360 मिल गया, मतलब मेरा सही, ठीक है। अगर ये बातें हैं, अच्छा F2 का वैल्यू दिया था, F2 बराबर 30 न्यूटन, फ्रॉम लेमिज थ्योरम F1 अपॉन
साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ टू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू एफ थ्री अपॉन साइन गामा। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इनमें से देखेंगे कौन वैल्यू दे दिया हमको। एफ वन दिया है, नहीं दिया है। साइन अल्फा कितना लिख दिया है? डबल लिख दिया। बराबर एफ टू बटा साइन बीटा। बीटा इज इक्वल टू 150 एफ थ्री बराबर एफ थ्री बाय साइन गामा, गामा बराबर 120। साइन एफ का वैल्यू कितना दिया था? 30। साइन 150 किस साइन 180 माइनस थीटा होता है ना साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू एफ थ्री बाय साइन 120 का। साइन 90 प्लस 30 होगा, या फिर साइन 180 में से कितना घटाएंगे? 60। साइन 180 में 60 घटाएंगे। हाँ बोलिए। अभी इस दोनों को लेकर चलते हैं। भट्टे में वन था, छोड़ दिए, दो चला जाएगा ऊपर, 30 गुना दो, तो एफ वन आ गया मेरा 60 न्यूटन और एफ टू ऐसे हमको दिया हुआ ही था 30 न्यूटन, तो कौन बच गया? बच गया मेरे पास कौन? एफ थ्री। तो एफ थ्री कैसे निकलेगा भाई? इसी दोनों को इक्विवेलेंट कर दो एंड ये टू तो ऊपर जाएगा, तो तीस में कितना होगा? 60 बराबर इधर भी ऊपर चला जाएगा, तो टू एफ थ्री बाय कितना? रूट अंडर थ्री। इस टू से इसको काटेंगे 30, रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री बराबर एफ थ्री, इसीलिए एफ थ्री बराबर 30 रूट अंडर 3 न्यूटन। पूछा क्या जा रहा था आपको? पूछा क्या जा रहा था? व्हाट इज द वेट डब्लू? डब्लू मतलब यहां वेट, यहां कुछ भार लगा हुआ था यहां पर, तो भाई वेट, वेट का ऐसा यूनिट बताइए आप लोग, ऐसा यूनिट ऑफ वेट मतलब फोर्स, यानी कि एफ थ्री ही पूछ रहा था न्यूटन में, तो ये मेरा एफ थ्री की जो पूछ रहा था वो आंसर यहाँ आ गया। व्हाट इज द वेट डब्लू एंड टेंशन।
ओ से ए तक, वो एक टेंशन है ना, जब किसी रस्सी में अगर तनाव होगा ना तो एक फोर्स ही होता है, ठीक है। तो हमको ओ ए दैट मींस एफ वन पूछ रहा, तो एफ वन मेरा एक आंसर यहाँ आ गया और एक आंसर मेरा यहाँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत दिन से परेशान थे, नहीं दो चार दिन, कर सकते हम लोग इसे बार बार करना चाह रहे थे क्लास, मतलब सिचुएशन। अब मेरे पास तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक की बात किए थे, जिसका पीडीएफ मेरे पास है, वो मेरे लैपटॉप में है, वो आपको भेजे भी नहीं थे, तो मेरे सामने उनके पोस्टर नहीं कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे अभी, ठीक। पर हम आपको ऑन करके भेज सकते हैं, क्या आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे? बुक हम आपको भेजते हैं अभी, या अगर आपके पास बुक का पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, ठीक है, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, हम ग्रुप में भेज देते हैं, आप लोग लेमिस थ्योरम का निकाल कर बनाइएगा सवाल, ठीक है। अच्छा एक चीज और कहते हैं, जो लेमिस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए लैब में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर पढ़ते यूनिवर्सल फोर्स टेबल, एक मेरा एक्सपेरिमेंट है उसका भी एक लिंक भेजेंगे, आप लोग उसको गौर से देखना, ठीक है, आप लोग उसको गौर से देखना तो आपको समझ में आएगा कि लेमिस थ्योरम को वेरीफाई कैसे किया जाता है। उसमें और भी है रूल, पॉलीगन फोर्स के लिए भी हम लोग करते हैं, वहां भी लेमिस वाला उपयोग कर लेते हैं, ट्रस वाला था उसमें भी कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेन आता है, क्रेन में भी लेमिस थ्योरम का हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी तीन फोर्स को ही एक्ट कराते हैं, मेरे लैब में वो सब रखा हुआ है अपने कॉलेज में, ठीक है, तो उस सब में हम लोग लेमिस थ्योरम को ही यूज कर लेते हैं। तो हम अभी आपको भेजेंगे यूनिवर्सल फोर्स टेबल के लिए लेमिस थ्योरम का वेरीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा आज का एक लैब भी हो जाएगा आपको, और लेमिस थ्योरम भी बता दिए, न्यूमेरिकल भी बता दिए, और न्यूमेरिकल के लिए बुक भेज रहे हैं, उनमें से चार पांच न्यूमेरिकल बनाएगा, तो और अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल अगले दिन हम लोग बनाएंगे क्लास, कोई दिक्कत है? जी हाँ, आप लोगों का क्लास भले अगर एग्जाम ऑनलाइन भी होगा तो ये प्रैक्टिकल जमा करना ही पड़ेगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा ना प्रैक्टिकल में ना कम नंबर आया, या सर प्रैक्टिकल नंबर बढ़ा दीजिए, आपको एक बात बताते हैं कि प्रैक्टिकल का 50% से ज्यादा नंबर बोर्ड में दिया जाता है, यानी जहां आपका प्रैक्टिकल कॉपी चेक होने के लिए जाता है वहां, ठीक है, अगर वहां गया कॉपी चेक होने के लिए और वहां पर 120 बच्चा का मानी कॉपी है, उसमें से 20 को बच्चा फंडेबाजी वाले काम किया है, मतलब सही से कॉपी नहीं बनाया है, जब सर लोग वहां चेक करते हैं तो वो 100 कॉपी तो अच्छा रहता है, पर वो 20 कॉपी जो खराब बनाता है ना, उसी का जो है जब उनको देखते हैं तो उन लोगों के चक्कर में, उस 20 के चक्कर में ये 100 बच्चा का रिजल्ट खराब होता है। इसीलिए आप लोग एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक में हर एक कॉपी बना के दीजिए अच्छा प्रैक्टिकल का, क्या पता कि सेशनल जो होगा वो जो प्रैक्टिकल होगा वो, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन बना दीजिए, एक भी पेज गायब नहीं कीजिए, फोटो वगैरह राइटिंग सब कुछ अच्छा दीजिए, क्या पता कहीं आप ही कॉपी चेक करके सबका नंबर ना देना पड़ जाए, मतलब जिनका सामने पकड़ा गया देखा उसमें खराब है तो सबके नंबर पड़ जाता है, तो आप लोग प्रैक्टिकल अच्छे से बना दीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल बनाने में फायदा ये है कि जैसे आज मान लो कि अगर लेमिस थ्योरम का ही प्रैक्टिकल बनाओगे तो पढ़े भी न्यूमेरिकल भी बनाए उसी का प्रैक्टिकल बना रहे तो मजा आ गया, तीन तीन बार लिख रहे समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। अभी जस्ट भेज रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल का जो लेमिस थ्योरम वाला है, इससे पहले आपको हम भेजे थे कुछ दिन पहले भी, आपको याद है ना, सिंपल व्हील एंड एक्सेल,
सिंपल मशीन पढ़ाए थे उसी समय भेजे थे आपको, देखिएगा स्लाइड करके ग्रुप में ऊपर लिखल होगा। चलिए ज्यादा देर तक बातें नहीं बनानी, हम आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल के लिए बुक भेज रहे हैं, न्यूमेरिकल घर पे बनाइएगा, थ्योरम को जहाँ लिखे हैं कॉपी में उसके नीचे में कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल होना चाहिए। पहला न्यूमेरिकल हुआ है, 3-4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप लोग बना लिए, फिर उसके बाद वाला जो लोग न्यूमेरिकल बड़ा वाला जो न्यूमेरिकल होगा जो दो दो धागा ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे फोटो आते हैं कैसे कैसे, तो देखो देखो यहाँ बच्चा बना देगा, कहेगा क्या ये वो धागा पकड़ के लटके हुए, इसका दोनों हाथ है, इसका एक वेट है, ऐसा फोटो दिखेगा समाज में अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में भी। उसके बाद देखो कुल्ली बना दे देगा ऐसे कर, देखा यहाँ पर वेट लटका हुआ है, यहाँ पर वेट लटका लगा हुआ, यहाँ पर कोई लड़का है, तो इस तरह के सवाल होते हैं या इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं। कैसे सुना यहाँ पर दो दो जगह वेरीफाई करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, इस सब तरह खतरनाक तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी आगे तो हम लोग बनाएंगे। आप भी तब तक आप लोग सिर्फ वन जैसा अभी बताएं उसका टाइप को बना लीजिए, कैलकुलेटर का यूज होगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात रखिए दो दो पॉइंट वाले हम लोग बांध बनाएंगे, कल बनाए कल नहीं परसों बनेंगे, प्रैक्टिकल जब कॉलेज मांगा जाएगा तब आपको जमा करना पड़ेगा, उस समय खोजेंगे कि कहेंगे आपका प्रैक्टिकल के लिए आपको ग्रुप में ऑलरेडी हम भेज रहे हैं, टाइम टू टाइम जैसे जो टॉपिक पढ़ाई होती है उससे संबंधित जो बातें होती है भेज देते हैं हम आपको, जैसे अभी क्या बोले प्रैक्टिकल को लिखने के लिए क्लासमेट वाला जो पेज आता है ना 40-50 रुपया मुझे देता है, थोड़ा सा बंडल टाइप में वो आप खरीद लिया घर के अगर बगल में जहाँ भी दुकान होगा उस पर बनाइएगा, ठीक है। और जो पढ़ने के लिए नोट्स बना रहे हैं वो तो आपको मेन नोट्स बुक बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर वन टू वेरीफाई द लेमिज थ्योरम, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑपरेटर्स नेम, ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल जो वर्किंग है, और उसके बाद जो प्रोसीजर्स कैसे आपने उसको किया, ठीक, कैलकुलेशन एरर वगैरह जो भी होता है सब कुछ आपको लिखा हुआ भेज रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल को अच्छे से देखना है ताकि आपको लेमिज थ्योरम कैसे वेरीफाई होता है ये भी पता चल जाएगा, और उनका डाटा भी भरना है जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए इतना ही पर, अब हम लोग कल मिलते हैं। चलिए अच्छा लगा क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हमने आज बच्चे को सुबह हम बोले थे क्या कि जो आप लोग को मतलब पर इधर के एरिया में बारिश हुआ था ना वो मतलब 3 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था और हम 3 बजे तक टाइपिंग करके उठे ही थे, ये जो नोट्स है ना ये जो नोट्स अभी निकाल रहे थे आप लोग बनाने से पहले, ये नीट वाले के लिए, ठीक है, तो वो उनके लिए जिसका भी 5 बजे से मेरा क्लास होगा ये उनके लिए है, ठीक है। इसी को टाइप करने में हमको उतना देर लगा और जब हम सोने के लिए गए तो बारिश आ गया, वो भी इतना आवाज के साथ की नींद नहीं आ पाया, ठीक है, 6-7 बजे जाके सोए, 9 बजे कब बजा लेट हो गया। इसके बाद भी प्रयास किया हमने, मैसेज भेजा तो मैसेज का रिप्लाई 1-2 ही पर्सन भेजे, फिर हमने कुछ देर तक लाइव भी रहा, फिर वहां पर मतलब देखिए लाइव में हो रहा है तो हमें लगता है कि आज नहीं लेने में भलाई थी, छोड़ देते, मिलते हैं कल आप लोगों से अगले दिन और जैसा होगा वैसे किया जाएगा, ठीक है।